अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मेरा चैनल वीडियोस वर्ल्ड फाइनली मोनेटाइज हो चुका है। आज सुबह ही मुझे गूगल की तरफ से एक ईमेल आई जिसमें गूगल ने बताया कि कंग्रेचुलेशन, योर यूट्यूब चैनल वीडियोस वर्ल्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड इनटू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एंड इज़ नाउ एबल टू मोनेटाइज ऑन यूट्यूब। ये पहली कन्फर्मेशन है यूट्यूब की तरफ से कि कोई भी चैनल अगर आपका मोनेटाइज होता है तो गूगल आपको ईमेल करके बताता है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। मैं इससे पहले भी 2-3 वीडियोस में आपको बता चुका था कि मुझे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है कि जिसकी वजह से ये चैनल मोनेटाइज हुआ है। सबसे पहले गूगल ने, जो यूट्यूब ने नया एक अपना तरीका बताया जिसके मुताबिक आपने अपने 4,000 वॉच टाइम जो आवर्स हैं वो पूरे करने हैं, उसके बाद 1,000 सब्सक्राइबर आपने पूरा करना है, उसके बाद रिव्यू में आपका जाता है, उसके बाद आपको ये, अगर आपका चैनल बिल्कुल ठीक है, आपने वीडियोस कोई कोई गलत कंटेंट यूज़ नहीं किया, तो फिर उसके बाद आपकी वीडियो को मोनेटाइज कर दिया जाएगा, यानी आपके चैनल को मोनेटाइज कर दिया जाएगा। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मेरी जो रिव्यू है वो आज से 4 दिन पहले सबमिट हुई है, 5 दिन हो गए हैं, तो 5 दिन के बाद आज मुझे 5वें दिन ये मेल मिल चुकी है। क्योंकि कुछ लोग परेशान होते हैं कि पता नहीं कितने दिनों के बाद चैनल मोनेटाइज होगा, क्योंकि इससे पहले इस तरह होता था 2018 के अंदर अक्सर लोगों के साथ ऐसे हुआ है कि जिनके रिव्यू में चैनल्स गए हुए हैं उनको 6-6 माह लग चुके थे तो उनके चैनल मोनेटाइज नहीं हुए। तो मेरा जो चैनल है, मुझे तो अल्लाह का शुक्र है कि जैसे ही मैंने ये रिव्यू किया है तो उसके फ़ौरन बाद ही मुझे 4थे या 5वें दिन ये ईमेल मिल चुकी है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ, जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो मोनेटाइज होने के बाद आपके चैनल पे कौन कौन सी ऐसे फीचर्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो सबसे पहले आप क्रिएटर स्टूडियो पे जाएं। आप जैसे ही क्रिएटर स्टूडियो ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ फीचर्स यानी ऑप्शन आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आप चैनल में जाकर चेक करते थे कि आपका जो चैनल है वो यहाँ पे पहले डिसेबल लिखा होता था, ये सामने जो नीचे आप देख रहे होंगे, अब ये एनेबल हो चुका है। ये आपका यानी मोनेटाइजेशन भी आप जाके देखते थे कि आपके टाइम कितने हुए हैं, वॉच आवर्स कितने हुए हैं और उसके अलावा सब्सक्राइबर कितने हैं, लेकिन अभी यहाँ से वो रिमूव हो चुका है क्योंकि चैनल मोनेटाइज हो चुका है। ये सामने आप लिखा देख रहे होंगे, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम जो है इसमें लिखा जा चुका है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। अब कोई भी अगर वीडियो मेरी प्ले करता है जो वीडियो अप्रूव्ड है तो उससे पहले एक ऐड चलती है, उसका मतलब यही है कि वो चैनल मोनेटाइज हो चुका है, यानी आप उससे अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो मेरे जितने भी आप लोग दोस्त हैं, मैं आप लोगों को एक मशवरा दूंगा कि अगर आप भी अपना चैनल मोनेटाइज करना चाह रहे हैं तो कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं, वो चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि कुछ ऐसा कंटेंट यूज़ ना करें कि जिसकी वजह से किसी की दिल आज़ारी होती है। क्योंकि उस अगर कोई ऐसा कंटेंट आप यूज़ करेंगे तो आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक लग सकती है। मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे चैनल के अंदर मैं जब जाता हूँ तो आपने शायद इससे पहले देखा भी हो कि मेरे ये 2 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद चैनल मोनेटाइज हो चुका है। लेकिन इसमें कोई ऐसी टेंशन नहीं, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर कम्युनिटी गाइडलाइन जो स्ट्राइक है वो एक से ज़्यादा लगे हों तो चैनल मोनेटाइज नहीं होता, ये बिल्कुल झूठ है। ये चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक स्टिल अभी तक हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएंगे। इसकी एक तो ये फरवरी में रिमूव हो जाएगा, 7 फरवरी को पहला रिमूव हो जाएगा और उसके बाद जो सेकेंड है वो 22 मार्च को रिमूव हो जाएगा। हालांकि ऐसे कॉन्टेंट नहीं थे कि जिसकी वजह से इसको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगे, लेकिन फिर भी कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले आप लोग थोड़ा सा चेक कर लें कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपको लग सकता है। तो बस ये दो तीन चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा आप एहतियात करें। इसके बाद ये वीडियो मैनेजर में अगर आप जाते हैं तो वीडियो मैनेजर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी वीडियो जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए एनेबल हो चुकी है। यहाँ पे कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं कि जिसको मैंने किया हुआ था प्राइवेट। इसके अलावा कुछ वीडियोस ऐसी हैं कि जिनको YouTube ये समझता है कि ये सूटेबल नहीं है एडवर्टीजमेंट के लिए, तो अभी उसको आप मैन्युअली रिव्यू के लिए कह सकते हैं, तो मैंने रिव्यू उसका कर दिया हुआ है तो उम्मीद है कि जल्दी उसकी वो आ जाएगी। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करें तो ये मोनेटाइज लिखा आ रहा है। अभी ये इसलिए लिखा नहीं आ रहा कि लिमिटेड और नो एड्स, कि अभी इसकी वो रिव्यू में है,
तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा फॉलो करेंगे। ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो वीडियोस हैं यहाँ पे अभी इसकी हुई है, तो यहाँ पे अर्निंग ये तकरीबन 24 घंटे के बाद जो है ना इसकी अर्निंग शो होना शुरू हो जाती है। तो जितने भी आप लोग मेरे दोस्त यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा एहतियात से आप यूज़ करें तो आपका चैनल जल्द ही मोनेटाइज हो जाता है। इतनी बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। वॉच आवर्स का मसला थोड़ा सा मसला होता है, तो आप कोई ऐसी वीडियो जो कि लोगों को इंटरेस्टिंग लगे तो उसके ऊपर आपका टाइम पूरा हो सकता है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग परेशान इसी चीज़ से होते हैं कि 4,000 घंटे कैसे पूरे होंगे, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मेरे 4 माह के अंदर अंदर ये सारा कुछ कंप्लीट हुआ है, तो इसमें आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करें, ये मज़े का काम भी है। हम लोग वैसे भी तो यूट्यूब यूज़ कर ही रहे हैं, तो अगर उससे फ़ायदा होना शुरू हो जाए तो इससे बड़ी कौन सी बात है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियोस वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोग देख सकें।